हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का जो आपका क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करते हैं। मिड में यहाँ पे कह रहा है कि फाद रिएक्शन N2 plus 3 H2 gives 2 N3 if D of NH3 upon dt is equal to 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter second। ठीक है, यानी इसको पर ना हटा जाए तो क्या लीटर यूनिट्स और सेकंड यूनिट्स पढ़ सकते हैं। The value of the minus in DH2 upon dt would be, इसमें से DH2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरह के जो भी इक्वेशन गिवन किए रहते हैं ना, तो जनरली आपको बताया गया है रेट ऑफ रिएक्शन में, ये देखिए एल है, ठीक है, L2 लिख दीजिए और यहाँ पर कितना लिखिए dt, ऐसे जैसे यहाँ पापा जो है यहाँ पूछ रहा है DH2 बिफोर टू रिएक्शन यूजिंग द सैंपल ऑफ माइनस, यूजिंग माइनस यूज करते हैं, आफ्टर द रिएक्शन प्लस यूज होता है। ये केमिकल काइनेटिक्स का प्रॉपर्टी पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, इक्वल टू देखिए माइनस लगा है, ये भी जो रिएक्शन से पहले का है, ठीक है, H2 और यहाँ पे dt, और जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है 1/3 है तो 3 लिख दीजिए, N1 आता तो N2 लिख देते, N1 आता तो N/N1 लिख देते। जैसे यहाँ पे आपका ये बताया जाता है गिब्स, हम लिखते थे हम लोग क्या dA/dt आई 1/L लिख देते थे, माइनस 1/N1, फिर इसको लगाते हैं यहाँ पर dB और यहाँ लिख देते आपका dT, फिर 1/ आपका यहाँ लिखते N2 रिएक्शन से पहले का, रिएक्शन के बाद पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह यहाँ लिखना था कुछ कोफिशिएंट 1 लिखना, कुछ है नहीं, इक्वल टू लगा है यहाँ पे H2 यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 1/3 और dT 1 लिखे ना लिखो तो आपको पर्टिकुलर लगता है इक्वल टू। फिर देखिए यहाँ पे NH3 ऑफ द dT अपान में क्या 1/2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 ऐसे लिख दीजिए, क्लियर, ठीक है। आप किसका पूछ रहा है, योर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज माइनस DH2 अपॉन द dT, इसका पूछ रहा है एक्टिव मास में है या ना आपका, तो ये इसका पूछता तो इससे रिलेट करते, इसका पूछता तो इससे रिलेट करते। तो ये पूछ रहा जब बीच में इक्वल होते हैं, आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं a=b, b=c, a=c and b=c ऐसे होता है, उसी तरीके और यहाँ पर देखेंगे ये इससे इक्वल कर लेते हैं -1/3 H2 और dT 1/2 NH3 अपॉन dT ऐसे है, ठीक है। इसकी वैल्यू की रखा है देखिए इफ डी आप NH3 अपॉन dT की वैल्यू दे रखा है, देखिए ये चीज है ना यहाँ पे, यहाँ हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/2 और यहाँ पे लिखना कितना 2×10⁻⁴ आपका माइनस 4 हो गया, राइट। हमें किसका निकालना है, उधर आके -dH2/3, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, जब यहाँ क्वेश्चन में 3 है तो कोई डिवाइड होता तो किसमें करते हैं, डिवाइड में करते मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड। तो देखिए ये क्या है, इसके इक्वल टू है, ठीक है, इसके लोग कर देंगे, ये जो डिवाइड होता है यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हैं -H2/dT 3 बन जाए 3/2×10⁻² आपका -4, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या आपका 3×10⁻⁴ आपका -4, राइट, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका यूनिट लिख दीजिए मोल पर लीटर सेकेंड, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, मोल पर लीटर सेकेंड यूनिवर्स मानते हैं, ऊपर जगह दोनों यूनिवर्स होगा, तो 3×10⁻⁴ इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि फाद रिएक्शन, जब रिएक्शन की बातें की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होता है मेन कोफिशिएंट को ही लेके हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और इससे हमारे क्वेश्चन को तैयार किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, किसी प्रकार के डाउट है तो पूछते रहें, सो थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है रिएक्शन में यहाँ पे ब्रोमाइड आयंस, यानी आपको ब्रोमाइड आयंस भी याद हो रही आयंस एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्यों का मतलब एक्वस सॉल्यूशन प्लस 5Br2, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे माइनस है आपका एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस 6 है आयंस हाइड्रोजन का, ये गिव्स 3Br2, यानी अभी यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड और 3H2
ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे पहले बी आर टू पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना कि बी आर टू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है किसके लिए, अप्रियंस आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन ऑफ बी आर टू इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिस अप्रियंस, एक अप्रियंस है एक डिस अप्रियंस है ऑफ द ब्रोमाइड आयंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डिस अप्रियंस ऑफ ब्रोमाइड बिफोर टू व्हाट वी कॉल अप्रियंस एंड आफ्टर द रिएक्टेंट वी कॉल ए डिस अप्रियंस। ये दो तरीके हैं, ठीक है, एक अप्रियंस का एक जो अनअप्रियंस का, दैट इज डिस अप्रियंस। तो जनरली आप देखें यहाँ पे पहले हम कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डिस अप्रियंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे लिखिए BrO3 माइनस आयंस अपान बी टी, यहाँ कुछ इनको कॉपी से वन तो लिखना जो है इक्वल, इस पे आते हैं Br इतना Br2, ठीक है, Br2 अपान यहाँ पे डी टी, राइट। आपके यहाँ कितना है 1/5 छिपा रहा था लेकिन ना लिखे इक्वल टू माइनस में रहेगा बिफोर है ना रिएक्टेंट माइनस रहेगा हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी लिख सकते हैं लेकिन इसको छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्कशन यहाँ पे की जा रही है क्या सिर्फ ब्रोमीन ब्रोमाइड से की जा रही है, तो हाइड्रोजन 30 वाले को छोड़ देते हैं, फिर इधर के पॉजिटिव वाला आ जाएंगे Br2 विथ एक्टिव मास आप कितना 1/3, फिर H2O को भी हम छोड़ कर क्योंकि H2O का लिख सकते हैं इक्वल लगा के, लेकिन वो सब करने का आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ पे ग्रुप को किए हैं ऐसे इधर भी कर सकते हैं प्लस लगा के यहाँ पर आप लिख देंगे H2O का 1/3 डी टी ऐसे। तो हमें किसका से क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रियंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑफ द फॉलोइंग की बातें की जा रही हैं, तो हमने सिर्फ इन्हीं दोनों से काम है, आप इसको भी चाहो तो इससे भी कर सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं दोनों से काम है। देखिए Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिस अप्रियंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है, तो जनरली आप देख पाएंगे यहाँ पर जो रिएक्टेंट आपको मिलेगा आप देखें माइनस Br2 आयंस बाय Dt, अब बगलिया में 5 है इक्वल टू Br2 ठीक बाय Dt इक्वल अपॉन 3। तो डिस अप्रियंस की बातें की जा रही है, तो डिस अप्रियंस में हम आफ्टर रिएक्टेंट लेते हैं तो 3 से क्यों ना हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यानी क्या देखने मिलेगा यही 3 हो जाएगा अगर ऐसा करके, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनटू के साथ 3, तो -3 Br2 आयंस अपॉन 5 Dt। तो देखिए इसमें इसको मैच कर रहा है Br2 अपॉन Dt, ये पहले लिख दिया, देखिए डिस अप्रियंस वाले इसको पहले लिख दिया है इसको बाद में लिख दिया, तो आपको ये मिल जा रहा है माइनस ये वाला माइनस 3/5 Br2 आयंस इंटू अपॉन Dt, ये चीज है कि नहीं, ठीक है। देखिए इसमें किया है ये उल्टा कर दिया था 5/3 कर दिया था, ठीक है। आप यहाँ पर सोचिए कि वो भी लड़का इसमें लगा सकता है, बस जो अपना डाउट नहीं कन्फर्म है डिस अप्रियंस का पूछ रहा है अप्रियंस का पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन है अप्रियंस का आपके दिमाग में उसका क्या डिस अप्रियंस का पूछ रहा है, तो ये हुआ आप कहीं पूछता अप्रियंस का तो ये क्या आ जाता, देखिए बाकी सब सेम दिख रहा है ना अपोजिट हो जाता है, क्लियर। तो इस तरह से ये जो है ध्यान से देना चाहिए, तो योर ऑप्शन इज द फर्स्ट, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल, लगाते रहो पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द रिएक्टेंट रिएक्शन N2 ऑफ G यानी गैस के लिए +3H2 गैस स्पेसिफिक 2N3 दैट मींस अमोनिया, देन इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन DNH3/dt एंड -DH2/dt इतना आपको फाइंड आउट करना है। DH2 यहाँ पे H2 की भी बातें कर रहा है, ठीक है,
तो सिंपल सा हम सोच पाएंगे यहाँ पे, आप लोग दिमाग लगाना है कि ये है NH3 क्या है, आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बाद है, तो देखिए NH3 क्लियर, और ये इक्वल टू रिएक्टेंट, यानी इन्हीं दोनों का रिलेशन लेके चलना है, डिसअपीयरेंस का और अपीयरेंस का रिलेशन, देखिए है ना, ठीक है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को लिख चलना, क्या लिखा है लिखेंगे हम, माइनस रिएक्शन से पहले क्या लिखेंगे, डी एच टू बाई डी टी वन बाई टी वन लिखिए ना, लिखिए आपको पटी पटी करते हैं इक्वल, आप यहाँ देखिए एन एच थ्री पॉजिटिव के साथ बाई डी टी, इसका कोएफिशिएंट क्या है, टू है, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करा, पहले की तरफ उठाया आपका यहाँ पे पॉजिटिव से, यानी इस टू की वैल्यू आप जो है यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जो है टू वन चार टू, यहाँ हो जाएगा एच टू, एच टू अपान डी एच, और यहाँ क्या हो जाएगा एन एच थ्री बाई डी टी टू, इसके नीचे तीन है, यही आपका लॉग ना, कि यहाँ पे आपका एन एस थ्री या पी टी ये हो गया, ठीक है, और यहाँ एच टू बाई डी टी इतना हो गया, तो रिलेशन क्या होता है, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, तो क्या देख पाएंगे कौन से इक्वेशन जा रहा है, दूसरा, ठीक है, इस चीज़ को इधर कर लीजिए, देखिए एन एस थ्री बाई डी टी इधर टू बाई थ्री इतना, हाँ माइनस सात पूछ रहा है ना, माइनस लीजिए, ये माइनस सात पूछ रहा है, तो माइनस सात यहाँ से माइनस क्वेश्चन में ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसको इसके साथ माइनस में ले लीजिए, इंटू के साथ करेगा क्या कर लीजिए, ये माइनस में इंटू के साथ ले लीजिए, ठीक, बस एक कॉन्सेप्ट है, माइनस यदि माइनस आगे लिखते हैं तो टू बाई थ्री किस साथ दिया है, देखिए आप इसमें केमिकल काइनेटिक्स में इतना समझ पाएंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड के लिए विद द कंपैरिजन ऑफ दैट बिफोर टू क्या रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन दैट इज द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस की बातें की जाती है, तो वहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है उसको अपान में करके लिखना ही होता है, और फिर वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जितना रहेगा रख के कभी क्रॉस कभी डिवाइड कभी मल्टीप्लाई, ये तीन कंडीशन होते हैं, इसमें से आपको एक नंबर जो मिल जाएगा, ठीक है, आपके लिए उस के लिए नीट के लिए, और जो है बोर्ड में भी जो है लगभग एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसमें यही है कि आपका जो है उसका ए टू जेड कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सो थैंक यू। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम वे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन द टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ फोर, बाई अ फैक्टर बाई फोर, वो भी क्या डिक्रीज हो जा रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी इज डबल बी। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट आवर योर फिजिक्स, मैं आपका जो क्वेश्चन है इन क्लासेस के लिए आप यहां सिंपल से देख पाएंगे, इन दिस योर क्वेश्चन इज द सेम दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेंड विद द टू कोहेरेंट लाइन source of intensity ratio n, ratio n in the interference pattern the ratio of I max minus I minimum upon this is the sum of max and minimum, तो सिंपल सा आप देखो अभी यहाँ पे दो दो क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व किया हुआ है, एज वेल जैसे कि हम लोग बैक में पढ़े तो एक बार ऐसे पूछ लिया था कि मैक्स का और मिनिमम का रेशियो फाइंड आउट कीजिए, बट हियर योर क्वेश्चन इज द सेम दैट व्हाट इज द कोहेरेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ द रेशियो ये वन, हियर द सेम द वन टाइम इज द देयर इज द डिफरेंट एंड वन टाइम इज द देयर इज द सम ऑफ विद द रेशियो, उस रेशियो के साथ आपको यहां पे सिंपल सा कहा जा रहा है, यू नो जनरली आई इक्वल टू यू नो दैट द इन ऐसे होता ना आई वन स्क्वायर एंड दिस इज द आई टू स्क्वायर एंड टू आई वन एंड I to with cos 5 and 5 will be 0, right? Okay.
तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई मैक्स की बात जब करते हैं यहाँ पे आई मैक्स देयर मीन्स ये इसका वन हो गया राइट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी डेट मीन्स देयर इज द फॉर्मूला ऑफ द आई वन एंड आई टू ऑफ द होल स्क्वायर, ऐसा होता है इंटरफेरेंस के लिए ठीक है। नाउ सिमिलर आई मिनिमम के लिए यहाँ पे बस माइनस यूज होता था ठीक है, देयर मीन्स आई वन ऑफ स्क्वायर एंड आई टू ऑफ स्क्वायर माइनस टू आई वन आई टू विथ कास फाइव और यहाँ पे भी क्या जीरो डिग्री, तो देयर मीन्स आई मिनिमम आई वन स्क्वायर माइनस आई टू कास ऑफ होल स्क्वायर देखिए जिस इज द गोइंग टू द बी स्क्वायर माइनस टू बी देयर मीन्स ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर फॉर्मूला एंड दिस इज द बिलोंग टू द ए प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर फॉर्मूला, फॉर्मूला ये हम लिखने की आवश्यकता नहीं है बट आपके कॉन्सेप्चुअल के लिए हम लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी राइट एंड सिमिलर जब यहाँ पर हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो देयर इज अ माइनस बाकी तो इसके इक्वल टू ले सकते हैं ना, ये हो गया। सो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे समझ सकते थे कि आई मैक्स इक्वल टू वी नो दैट अबाउट द फॉर्मूला आई मैक्स इक्वल टू इन अंडर रूट आई वन प्लस आई टू ऑफ द होल स्क्वायर एंड मिनिमा इक्वल टू आई वन माइनस आई टू विद रूट ऑफ द होल स्क्वायर, यही दोनों वैल्यू हमने अगर इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन आएगा राइट। तो चलिए देखते हैं आई मैक्स वहाँ पे आई मैक्स को इसी तरह लिखना या स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, सो हम इसको ना लिख के सीधे ए लाइन लिखना बेटर रहेगा, हम देख पा रहे हैं ना देयर मीन्स रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू का स्क्वायर एंड प्लस टू रूट आई वन आई टू श्योर माइनस व्हाट इज माइनस वाला ये है पर मिनिमम माइनस होता है, तो जब यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव और ये जब माइनस पास करेगा ना इसको नेगेटिव कर देगा इसको नेगेटिव कर देगा इसको क्या कर देगा पॉजिटिव राइट, माइनस टू माइनस आई वन स्क्वायर माइनस आई टू स्क्वायर एंड देयर इज द माइनस 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 और ये वाला माइनस पास ही करेगा क्या प्लस हो जाएगा टू आई वन आई टू एक साथ देखते हैं अगर नहीं ना सिंगलर इन दिस ये भी प्लस करना है ये प्लस करना है इसको ओपन करना है हम लोग आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर टू आई वन आई टू एंड ये द प्लस प्लस में देर दोनों चेंजिंग यहाँ पे प्लस है माइनस ही रहेगा हम देखेंगे आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर माइनस टू आई वन एंड आई टू नाउ टेल मी what is being cancelled here this cancel because negative and positive now this cancel right okay and here come this and this is cancel clear plus 2 that means how many when the add this is 4 i1 and i2 right ek hi sath le sakte hain root mein एंड ये आई वन आई वन टू आई वन स्क्वायर आई टू आई टू टू आई टू स्क्वायर ओके नाउ टेल मी आई फोर हो गया टू एन टू इन दिस व्हाट इज कॉमन टू कॉमन तो जब टू कॉमन लेंगे तो देयर इज आई वन आई टू एंड हियर द टू I1 plus I2 तो टू टू जा रहा है टू हो गया ठीक है। अब यहाँ पर आपको सुनना है यहाँ पर I1 I2 and this is the I1 plus I2 and here the what is the same the interference pattern is obtained to coherent light source of intensity ratio N ये किस पर डिपेंड कर रहा है N पर डिपेंड कर रहा है ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आई वन आई टू हमारा क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये यन के साथ में है किसके साथ है यन के साथ में है जो आई वन आई टू है ये द आई वन एंड आई टू इज डिफाइंड है यन टू रेशियो ऑफ इंटरफेरेंस
एन हो गया। आप सिंपल सा तब एन लिख दीजिए, टू एन हो जाएगा रूट के साथ। ये इसमें जो है यदि हम रेशियो के साथ लिखते हैं, रेशियो में है ध्यान रहे, रेशियो के साथ में ऐसे अपान करके, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कॉमन लेके तो क्या देखते हैं आई वन आई टू को क्या लिखेंगे, आई वन आई टू, आई वन अपान आई टू, यहाँ से जब कॉमन लिखते हैं अपान आ जाएगा आई वन अपान आई टू। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई वन अपान आई टू यन हो जाएगा राइट। और एक चीज़ और भी देखिएगा, ये क्या था स्क्वायर में था, इसलिए स्क्वायर को हमने एक साथ है यहाँ पर ऐसे लिख दिया ठीक है। तो इतना स्क्वायर प्लस वन जो अपान में था वही उसको लिख लेते हैं रूट में गया तो क्या लिख जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो टू रूट एन अपान एन प्लस। देखिए और ऑप्शन नंबर भी चीज तो ओवरऑल दिस इक्वेशन द गोइंग टू डेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा के लिए आप सिंपल सा याद रखोगे माइंड में ठीक है, आई वन प्लस आई टू ऑफ द होल स्क्वायर, एंड मिनिमा के लिए आई वन माइनस आई टू इन द रूट के साथ ऑफ होल स्क्वायर। एक बार उसको आप प्लस पे ब्रेक कर दीजिए, एक बार माइनस पे ब्रेक कर दीजिए, फिर दोनों को एक बार माइनस कीजिए एक बार प्लस कर लीजिए, वी गेट द एट लास्ट आंसर। बट ये याद होना चाहिए ये क्या करा है कि सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई वन अपान आई टू इज डिफाइंड एट व्हाट इज यन, यन का है रूट में, क्योंकि जब रूट लगाने तो रूट लेंगे, रूट नहीं लगाएंगे तो बस बोले यन लिखेंगे वही अपान है लिख के हमने वही रूट दिया। तो दिस इज द वेरी सिंपल ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सो थैंक यू। हेलो बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स विद द हेड एंड मॉलिक्यूलर डी। तो जनरली हम देख पाएंगे बच्चों द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.060 × 10³ सेकंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 2.0 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट 0.02 ग्राम ईच। यानी जो क्वेश्चन इज द सेम डेट वार कि इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है यहाँ पे दे रखा है टाइमिंग, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टाइमिंग और होना चाहिए कि 2 ग्राम को जो हम लोग रिएक्टेंट पर कितने प्राप्त कर लें, 0.2 ग्राम प्राप्त कर रिसीव कर लें। तो जनरली आप सोचना पड़ेगा आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि यहाँ पर हम ये जा हम लोग सब कुछ करते हैं कि 2.303 के और यहाँ पर था लॉग ए ए माइनस एक्स, अदरवाइज इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग ए आफ्टर लॉग ए नॉट, इस तरह लिख सकते हैं, डेट मीन्स इसको इसमें से घटाया गया है ए नॉट ए जीरो। तो देखिए व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ यहाँ पर दिस इज द सेकेंड इनवर्स, ये दे दिया डेट मीन्स की द वैल्यू ऑफ द यहाँ पर हम के रख सकते हैं ठीक है। फिर यहाँ देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू इतना कितना आ जा रहा है, यानी ये हमारा ए है एंड ये हमारा ए माइनस एक्स है या ब्लिक ए नॉट है ऐसे, तो यही सब वैल्यू लाग पुट करते हैं हम लोग तो देख पाएंगे यहाँ पर टी इक्वल टू 2.303 एंड के व्हाट इज द के हियर 4.606। देखिए बड़ा सही रखा भी वैल्यू भी रखा है, एक वैल्यू इज द गिवन इतना 2.0 और यहाँ ओनली इस तरह से रखा है ठीक है। तो देखिए आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट एंड इट इज द ट्वाइस ऑफ दिस, देखिए यही आपका हमारे 3.03 है तो 3×46 हो गया, यानी सीधे आप काट सकते हैं इसको 1/2 टाइम में ठीक है, मतलब इतना ट्वाइस आ इतना आएगा आपको 0.606। तो देयर दिस टी की वैल्यू हो गया 1/2 एंड लॉग ये आ जाएगा आपका इसको यहाँ से 20/2 डेट मीन्स 10 ठीक है 18 हो गया।
तब जब ए सी डी यानी तो फर्ज ट्वेंटी अपना डेसिमल आइए लिखना होगा तो टी इज द हाफ लॉग यहाँ पर हो जाएगा टेन। क्लियर, अब यहाँ पर टेन हो गया तब सोचिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना है तो वन बाई टू लॉग क्या इसको टू इंटू फाइव ले सकते हैं तो इसको जब हम यहाँ पर इतना ले सकते हैं इसकी वैल्यू वन बाई टू लॉग टू माइनस लॉग या प्लस प्लस इतना ठीक है लॉग यम यम यन यानी यम इंटू यम इक्वल टू फॉर्मूला लॉग यम प्लस लॉग ये फॉर्मूला था ना कि टू को इतना इतना ठीक है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए अब वन बाई टू लॉग टू की वैल्यू कितना दिया है होता है थ्री जीरो टेन लॉग फाइव की वैल्यू भी होता है लॉग फाइव की वैल्यू देखिए कितना उसमें दे रखा है बुक में रख के ऐड करके हाथ दिए जो आएगा वो मर के आ जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है लॉग फाइव का लिख लीजिए उसमें दिएगा तो हम लोग जनरली जो है इसको ऐसे सिंपल से समझ सकते हैं बस अब आपको आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है तो जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करके उसके वैल्यूएशन रख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें सो थैंक यू। तो देखें यहाँ पे जो है आप इसकी वैल्यू एकदम सेम सेम रखें ठीक है यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही रखा है आप लास्ट में इसको ले जाकर रख सकते हो उससे कोई अंतर नहीं है तो वन बाई टू लॉग टू की वैल्यू जो है आपका वह रखें पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो एंड फाइव का जो होता है लॉग फाइव की वैल्यू जो है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन तो इसको आप ऐड करेंगे इनको मैंने ऐड किया तो नाइन 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 हुआ अप्रोक्स में इसको हम ले सकते हैं अप्रोक्स में वन ले लेते हैं वन ऑफ द दिस ठीक है और यहाँ पे जो है नीचे वाला एक ये वाला जो हम डिग्री सीधे छोड़े थे टेन टू दी पावर का माइनस थ्री इसको ऊपर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका टेन टू दी पावर थ्री आई वन जब वन बाई टू इसको कितना लिखेंगे वन थाउजेंड लिख सकते हैं जब ब्रेक करेंगे तो बाई टू कट करिए कितना आएगा आपका पाँच सौ ठीक है लेकिन आपको यहाँ सिंपल सा आपको सोचना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स में ऑलवेज लर्न लॉग टू लॉग थ्री लॉग फाइव लाइक टेन की वैल्यू आप ये डायरेक्ट समझिए ठीक है उसकी वैल्यू यदि देता है पेपर में तो ठीक है नहीं देता तो आपको मालूम होना चाहिए लॉग टू की वैल्यू जो है आपका होता है पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन जीरो एंड लॉग थ्री की वैल्यू होता है आपका उधर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन लॉग फाइव का सिक्स नाइन एट नाइन पॉइंट टू और लॉग टेन का सिर्फ वन ये चीज़ आपको वैल्यू लिख लीजिएगा नोट पे इससे आप लिए फायदा रहेगा इन द केमिकल काइनेटिक्स देर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लॉग टू लॉग थ्री लॉग फाइव लॉग टेन इटीसी इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल तो मे बी ये सब वैल्यूएशन उसमें आते रहते हैं तो जब आपको तैयार रहेगा तो बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं ओके चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिंग दैट हियर दिस क्वेश्चन द सिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट ऑफ 2.303 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स द टाइम रिक्वायर्ड टू द 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस द 10 ग्राम ये 10 ग्राम है लॉग बस समझिएगा 10 ग्राम विल बी एंड हियर द गिवन लॉग 2 बेस ऑफ द टेन इक्वल टू द पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो ठीक है तो जनरली आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या करना है आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑर्डर दे भी दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्स्टेंट तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे चाहे आर इक्वल टू चाहे के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए एंड ए माइनस एक्स या इसको ए नॉट कर लीजिए माइनस करने के बाद ए में से एक्स को हमने माइनस किया इतना ठीक है अब देखिए यहाँ पे टी चाहे टी यहाँ लिखेंगे तो आर यहाँ डिवाइड हो जाएगा हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्या दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए कि ऑप्शन आपका क्या रहा है
लेकिन समय सेकंड सेकंड है, दैट मींस सिर्फ कंफर्म हो जा रहा है कि ये टाइमिंग पूछ रहा है। इस तरह से दिमाग का अलग रहे हैं। तो जल्दी हम देखिए टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2.303 एंड हियर द कितना आपका आर की वैल्यू, आर रेट कॉन्स्टेंट, आर से डिनोट किया जाता है, रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है 2.303 × 10³ आपका 3। ये बाद में भी लिख सकते थे या पहले लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं है। लॉग ए देखिए 40 ग्राम पे कितना कर रहा है, 40 ग्राम जब एक कंट होता तो 10 ग्राम ये निकालने की बात कर रहा है, तो या तो 40 ऐसे लीजिए 40 अब आई आपका 10 ठीक है, या इसमें से आप ही जैसे 40 में से यानी 30 माइनस किया होगा तभी 10 आया है, इस तरह से भी समझ सकते हैं ठीक है। तो जनरली अब क्या करना है, ऐसे कट हो जाएगा आई पूरा फंक्शन ही कट कट हो गया, तो बच्चा क्या टी इक्वल टू 10⁻³ आपका पॉजिटिव ऊपर चला गया 10⁻³ आई हो गया लाख फोर भी इस तरह लिख सकते हैं क्या, कैन यू रिटेन दैट 2² लिख सकते हैं एंड इसी तरह फॉर्मूला मिला हो गए जब पावर यानी नियन ला गया हूँ जितना पावर होता आगे लगाते हैं तो यह ला गया हो गया। अभी आपने आपको सिंपल से ये सोचना पड़ेगा कि इस कंडीशन में हमें हाइट 2 आगे आ जाएगा रिसीव होके, तो 2 × 10⁻³ आपका -3 एंड लॉग 2 पॉजिटिव होंगे, तो सीधा आप लिख दीजिए कितना लिए 2000, क्योंकि ये 1000 हुआ तो उल्ट लग गई और लाख 2 की वैल्यू कितना दे रखा है 0.3010, इन शॉर्ट में 3-10 भी बचे हो देते हैं उतना आप समझ जाते हैं कोडिंग होता है आप लोग का ठीक है। 2000 2102 इतना आप ये 3 और आगे लगाइए ठीक, एडिशनल कितने गए 2 2 4 1 1 2 3 4 यानी कितना आपका हुआ ये 301 हो गया ठीक है। अब यहाँ पर देखना 301 आपका ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी वह फर्स्ट आर्डर रिएक्शन पे जो आपका आर की वैल्यू था रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू था 2.303 × 10⁻³ एट वेन दी ई वैल्यू द गिवन द 40 ग्राम टू दैट कन्वर्ट योर रिएक्टेंट हम 10 ग्राम चाहते हैं उस बीच जो है कुल कितने आपके टाइमिंग लगेंगे, तो हियर इज द टाइमिंग 301 सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन जो है ये सेकेंड में ना देखे मिनट में देता और आप फाइंड करते किस में सेकेंड में, तो व्हाट विल डू हियर सेकेंड में लाने के लिए, सेकेंड में है मिनट में लाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे सिंपल सा 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो सेकेंड हम लोग किस में ला रहे हैं मिनट में ला रहे हैं ना, तो यहाँ पे 60 सेकेंड कितना तो किसमें होता है 1 सेकेंड में कितने मिनट 1/60 मिनट, यही क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड में, यदि मिनट में पूछता तो 301/60 कर देते तब कहीं मिनट में आता, तो 6 × 5 = 30 यानी अप्रोक्स में 5.1 बचता 1 लगाते 10³ यानी इतना आपका नियर अबाउट 5.01 मिनट लग जाता, तभी ना आपका सेकंड नहीं देता तब क्या लगाता मिनट लगता, तो आप आंसर लाते 301 आएगा, तो कहेंगे छोटे छोटे बच्चे जो है मैथ और हाल्स कर जाते हैं क्योंकि जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा किस तरह दिमाग लगा रहा है, तो एट लास्ट में लिख देते हैं 29। अच्छा ये भी दिया है मिनट भी दे रखा है, नहीं मिनट दे रखा है सेकंड है नहीं सेकंड है तो मिनट में, ये स्पेशली सब ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, तो बिल्कुल सब्सक्राइब शेयर कराते रहें, सो थैंक यू। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द रेट कॉन्स्टेंट हार ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज के, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज के द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय इन दिस इक्वेशन, इन दिस ऑप्शन ऑफ द इक्वेशन जो है, तो जनरली आप यहां देख पाएंगे ना
यहाँ पर भी आपको वही डिफाइन कर रहा है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, चाहे आर लिखिए चाहे के लिखिए, तो अभी यहाँ पे हम यदि टी लिखते हैं तो 2.303 बाई के एंड नियर द लॉ ए अपान ए माइनस यस, अदरवाइज इसको हम निकाल दें ए नॉट भी बोल देते हैं। ठीक, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 99%, यानी कह रहा कि वो जो कौन सा टाइम रहा होगा जो 99% कवर कर रहा है। तो सिंपल सा, जब ये देखिए रिक्वायर फॉर द 99%, यानी यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ए माइनस एक्स इस डेट, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यानी ये आपका 100 रहा होगा 99%, तभी तो हम कर सकते हैं जनरली आपका जो है 1% हुआ, यानी कितना करा कि दूसरा 9 पे, यानी हमें पहला जो कुछ अपनी तरफ से आइडियाज लगाना पड़ेगा। ओहो देयर मींस गिवन डेट और यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो 100 पे लेना ही पड़ेगा, कि आलवेज जो परसेंटेज 100 का होता है, कभी भी बात होता है कभी ऐसा हो जाता है 100% 100% ऐसे बोलते हैं, तो यानी इसका मतलब ए की वैल्यू हमारा क्या होगा 100 है। अब वही सब चीज़ें यहाँ पर लास्ट कर दीजिए, ये आपका समझिए 1% आपका ए माइनस एक्स का हो गया, और ए जो है आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ए की वैल्यू तब कितना है, मैंने सपोज किया 100। अब यही पुट करके देखिए सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा आपका 2.303 बाई के लॉग 100 और आपको 1 हो जाएगा, 100 माइनस 9 = 1 हो गया। देखो आई आपका 100, आई इस 100 को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर 10। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा लॉग एम पावर एम इक्वल टू यू ना लॉग एम, तो आपका 2 यहाँ बाद में करके आ जाएगा, यानी टी इक्वल टू यहाँ 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा इसमें 2 3 6 0 2 3 6 और 2 3 4 बाई कर के, और यहाँ पर जाएगा लॉग 10। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए, लॉग 10 जब होता है यहाँ कुछ तो बेस स्क्वायर मानते हैं, इसकी वैल्यू आप शायद 0.1 लिख दीजिए तब भी आएगा 1 से क्योंकि तो बेनिफिट नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको तोड़ दे इस यहाँ पर आपको 2 × 5 पे इसको लॉग 2 और लॉग 5 लिखते हैं, लॉग 2 और लॉग 5 तो लॉग 2 को वैल्यू लिखते 0.3010 यानी 30 हो जाता है, लॉग 5 को वैल्यू भी लिखते 0.6989 लिखते, फिर उसको ऐड करते 99999999 उसको भी अप्रोक्स में हम एक लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन विल बी टी इक्वल टू 4.606 बाई के वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन है आपका, दूसरा पूरे का फॉर्म होता है इसी का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी जो है एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे 99% यहाँ दिया है, ठीक है एक है 99 पर कितना आपका वो होगा टाइमिंग होगा, तो वहाँ पे टाइमिंग देता है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था तो वहाँ पे लेफ्ट में इस बार का 10 आंसर आया था, ठीक है यानी वो 10 इक्वल टू, तो हो सकता है क्वेश्चन इसमें भी मिल जाए, पहले आप सिंपल सा इस क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है।